राम राम जेवियंस, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्लो इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो 90% मोबाइल यूजर की जो प्रॉब्लम है वो है स्लो इंटरनेट स्पीड, और हमें तो ये प्रॉब्लम इतनी है कि मतलब कि हमारे यहाँ पर नेट जो है इतना स्लो चलता है कि अगर अपन ना कछुए और खरगोश की जो कहानी है उसके अंदर मोबाइल इंटरनेट की रेस को भी ऐड कर दे, मतलब कि इन दोनों तीनों की रेस करवाई जाए, तो रास्ते में सोने वाला खरगोश भी इस इंटरनेट से आगे हो जाएगा। तो फिर यार सोचा कि इस इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। अब यार हमने जो है एक आसान सा जुगाड़ इसके लिए निकाल दिया है, जिससे कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है अभी जो आ रही है उससे 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि वह स्पीड 8 से 10 गुना भी बढ़ जाए। वो थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अब आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ने वाली है। अब जो है फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर, क्योंकि ये जो जुगाड़ है वो छत के ऊपर ही लगा हुआ है, तो वो आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर छत के ऊपर आ चुका हूँ। तो अभी आपको जस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि हमने इसे कैसे बनाया है, कैसे आप बना सकते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल भी खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो चलिए जल्दी से जुगाड़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये रहा हमारा खतरनाक वाला जुगाड़, ठीक है ना। अब यार अपन इसको पास में देखते हैं कि कैसे बनाया है ये और कैसे क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। तो यार ये जो है ये कैमरा है डिस्क का, जो नॉर्मल सभी डिस्क के साथ में आता है, लेकिन यार ये खराब है, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला भी वही सेम चीज़ है और ये भी खराब है, मतलब कि इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। हमने खाली बस इसको स्टैंड को, इसको डब्बे को, ऊपर वाले को फिट करने के लिए हमने लगाया है। और ये जो रहा हमारी डिश एंटीना, जो कि नॉर्मली सबके घर में मिल जाता है, ठीक है। इसके जस्ट सामने की ओर में जियो का मोबाइल टावर है, तो ये अपना जियो का मोबाइल टावर है, ठीक है ना। और इसको अपन जूम आउट कर देते हैं, और अब इसके सामने अपन ने ये जो डिश एंटीना है ये लगाया है। इसको किसी इंटरनेट, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओनली यहाँ पर ऐसे सिस्टम से रखना है। और ये जो आप डिश एंटीना देख रहे हो, इसको आपके मोबाइल के टावर के जस्ट सामने 90 डिग्री एंगल के ऊपर रखना है। और आपका जो ये व्हाइट बॉक्स देख रहे हो, उसमें मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या है उसके अंदर, लेकिन उस व्हाइट बॉक्स को आपको, वो जो व्हाइट बॉक्स है वो हमारा जुगाड़ है, आप उसकी जगह पर कुछ भी यूज ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि हमने व्हाइट बॉक्स इसलिए यूज लिया है, वो प्लास्टिक का, अगर बारिश वारिश और धूप भी पड़े तो वो उसके अंदर जो चीज है उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद में उस बॉक्स को सेटअप कर दिया है हमने इस डिस्क के फोकल पॉइंट के ऊपर। और फोकल पॉइंट कैसे ढूंढना है, तो फोकल पॉइंट ढूंढने के लिए आपको इस डिस्क के सेंटर में, उसके जहां पर आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिलती है, वो आप उस जगह पर आपको उसको फिक्स कर देना है। लेकिन यार यदि आप थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज जानना चाहते हो, इसको और अच्छे से फिट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उसके ऊपर क्लिक करना। वहाँ पर हिंदी में आपको सारी चीज़ें समझा दी गई है। अब यार अपन इसका लाइव टेस्ट करते हैं स्पीड का। मैं अब आपको चेक कराऊंगा कि ये जियो वाईफाई से ही कनेक्टेड है, और अब अपन एक बार स्पीड चेक करते हैं कि स्पीड में क्या आ रही है। तो अभी जो स्पीड आ रही है गाइस, लगभग ये 5 Mbps के लमसम जा रही है स्पीड। सो अभी क्या होता है देखते हैं। ये जो स्पीड है ये नॉर्मल वाईफाई की स्पीड है, आप देख सकते हो 5 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, जो कि काफी कम है। और ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। अपन ने जो है इस सिस्टम के अंदर अपना रोटर जो है वो लगा दिया है। अब अपन चेक करते हैं कि लाइव इसकी जो स्पीड है वो कितनी आती है। तो थोड़ा सा अपन को दूर जाते हैं, तो उसके बाद उससे क्या है कि इस छाया में अपनी स्क्रीन जो है, मोबाइल स्क्रीन अच्छे से दिखने लगेगी। तो यार थोड़ा धूप होने के कारण आपको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आए यहाँ पर। तो यार अब अपन है ना इसको एक काम करते हैं कि ये जियो वाईफाई से ही कनेक्टेड है अभी। तो अपन यार अभी क्या करते हैं, इसकी लाइव स्पीड की जो है इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं। तो चलिए, ये स्पीड का टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ओ भाई साहब, डबल डबल स्पीड चली गई यार, ये तो जस्ट डबल नहीं, 4 गुना स्पीड हो गई, ये तो 4 गुना से भी ज़्यादा, 23 Mbps की स्पीड की। और ये देखो यार, मतलब कि 2 Mbps की अपलोडिंग स्पीड आ रही है, काफ़ी मज़ेदार वाली चीज़ है यार, काफ़ी मज़ेदार। और अब फाइनल रिजल्ट की देरी है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसका।
तो गाइस 22 Mbps की स्पीड डाउनलोडिंग और 2 Mbps की स्पीड, तो यार काफी कमाल है ये चीज। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के लाइव देखा कि इस छोटे से जुगाड़ से जो है इंटरनेट की स्पीड को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपकी राय जो है कमेंट में ज़रूर बताना। और शेयर कर देना उन दोस्तों को ये वीडियो जिनकी नेट की स्पीड बहुत स्लो आती है और जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद जग्गी ब्लॉग्स। थैंक यू।